हुआ? क्यों रो रहे हो? मेरा बंधन टूट गया, मुझे नया बंधन चाहिए। बेटा अभी मेरे पास धन नहीं है, कल मजदूरी के पैसे मिलेंगे ना तो हम आपको नया वाला बंदर ला कर देंगे, ठीक है? मुझे अभी चाहिए, मैंने बोला ना। बेटा अभी घर चलो। नहीं मुझे अभी चाहिए। ऐसे हट नहीं करते, घर चलो। चलो 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 चलो, इधर आओ। उठो। नहीं बेटा उठो, चलो उठो घर चलो। ए बेटा काय को रोती है? हो रोना टूट गई तुम्हारी? अरे ये तो बंदर है, इसकी टांग टूट गई। ओहो बंदर लंगड़ी हो गई। अच्छा देखो पकड़ो इसको, अभी किराना टूट गई तो टूटने दो, हम तुमको बंदर बन के दिखाए। अच्छा लगा। हाँ बेटा अब आपका बंदर टूट गई है तो आप खुद बंदर बन सकती है, अब तुम भी हमारे साथ करेगी मजा की करो। शाबाश बेटा, आइंदा कभी तुम्हारा खिलौना टूट जाए तो रोने का नहीं, अम्मी को सताने का नहीं, खुद बंदर बनना, खुद खिलौना बनना, अम्मी को हंसाना, खुद हंसना याद रहेगी। ऐसी करेगी खिलौना टूटेगा तो रहेगी नहीं, अम्मी को रुलाएगी नहीं। अच्छा बेटा अब हम जाती। श्रीमान आपने आज मेरे बालक को कृपणता में भी प्रसन्न रहना सिखाया है, वो अब सदैव अपने जीवन में संतुष्ट रहेगा और संतुष्ट जीवन ही सफल जीवन होता है। आप विलक्षण पुरुष, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। ध्यान रखो बहुत प्यारा बच्चा, आती है मैं, चलो। बंधु, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की दी हुई चुनौती पूर्ण होती प्रतीत हो रही है, बच जाएगा तू। अरे पंडित रामकृष्ण जी आप यहाँ? प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपने यहाँ पधारकर हमारे भवन को धन्य कर दिया है, आइए भीतर आइए। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है सेठ राजाराम जी। अरे आइए ना, आइए। हो गई गड़बड़। आइए पंडित जी आइए, सेवको जाओ भोजन प्रबंध करो, हमारे यहाँ महाराज के विशेष सलाहकार अष्टदिग्गज पंडित रामकृष्ण जी पधारे हैं। सर भी हाथ से गया। कुछ कहा आपने पंडित जी? नहीं कुछ भी नहीं। हाँ तो ये बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा? हाँ आपकी दानवीरता के विषय में ना बहुत सुना है, आप सबकी बहुत सहायता करते हैं, बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, तो सोचा बस आज आपके दर्शन भी कर लूं। ये तो आपकी महानता है रामकृष्ण जी, ईश्वर ने हमें बिना कुछ मांगे हुए सब कुछ प्रदान किया है, उसी में से अल्प ईश्वर द्वारा रचित अपने भ्राता बंधुओं में बांट लेता हूँ। आपके विचार अत्यंत ही श्रेष्ठ है सेठ जी। रामकृष्ण जी यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूँ? हाँ हाँ अवश्य। हमारे साहित्य में प्रेम भक्ति धर्म आदि से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ हैं, किंतु विजयनगर के इतिहास के संबंध में कोई ग्रंथ नहीं है। वो यदि आप मेरी राय माने तो विजयनगर के संबंध में कुछ लिखे, इससे आने वाली पीढ़ियों को विजयनगर की भव्यता और महानता के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। वो मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय की चुनौती पूर्ण करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, ऊपर से ग्रंथों का भी अनुवाद करना है। क्या सोच रहे हैं पंडित जी? नहीं नहीं कुछ नहीं, आपने उचित कहा,
मैं अवश्य आपके कथन पर विचार करूंगा। अच्छा अब आज्ञा दे। पंडित जी भोजन बन रहा है। नहीं नहीं आज नहीं, किंतु मैं वचन देता हूँ कि शीघ्र ही यहाँ आकर भोजन अवश्य ग्रहण करूंगा। आज्ञा दे। आज्ञा है, पुनः पधारी। प्रणाम। पंडित रामा सीता बहुत जल्दी में लगती है, सब खैरियत तो है? जी सब आप ही की कृपा है मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय। अरे हमारा दुआ हमेशा आपका साथ है। धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, राजगुरु तथाचार्य का घर किधर है? इस मार्ग के अंत में। हाँ। सबसे विशाल भवन उन्हीं का है, आप इस मार्ग में सीधा आगे बढ़ते रहे। अच्छा हम आगे बढ़ जाएगी, पर तुम सही राह पे जा रही ना, भूलना मत, मूछ और चोटी का सवाल है। हाँ अकल मन चलो राजगुरु जी के घर जाने की, चलो चलो शाबाश। जनाबे राजगुरु, हम आ गए दावत के वास्ते, किधर है तुम राजगुरु? अरे भिखारी जा जा चला जा यहाँ से, इस भवन में तुझे कोई भिक्षा विक्षा नहीं मिलने वाली, जा जा। हाँ जल्दी चला जा, नहीं तो जो कुछ मांगा है ना सुबह से सब हमारे गुरुजी छीन लेंगे आगे तो। अरे मूर्खो किससे बात कर रहे हो? गुरुजी ये भिक्षुक है। आयो ये भिक्षुक है, ये कुछ जाना पहचाना सा भिक्षुक प्रतीत हो रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय आप? ओ खूब पहचानी, खूब पहचानी। हे भगवान ये आपकी स्थिति कैसी हो गई? क्या आप पर अकलमंद ने आक्रमण कर दिया? मुल्ला नसरुद्दीन? अरे गधो मुल्ला नसरुद्दीन महोदय हैं ये, भिक्षुक नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हम इन मूर्खों की ओर से आपसे क्षमा मांगते हैं। अब आपकी स्थिति ऐसी है कि हम भी उसको देखकर असमंजस में पड़ गए, हमें भी आप भिक्षुक भिक्षुक क्या होती? कुछ नहीं भिखारी, भीख मांगने वाला। लाहौल वाला कुवता इल्ला बिल्ला, तुम हमको भिखारी समझती है? हम तुम्हारा बच्चा हुआ सर का बाल लोच लेगी। शांत 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 मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, शांत शांत। गधे हैं ये, इन गधों की कोई त्रुटि नहीं है। अब वो क्या है कि आपके जो वस्त्र हैं वो धूल से सने पड़े हैं, आपके शरीर से श्वेत जल। श्वेत जल क्या? श्वेत जल अर्थात पसीना, पसीना पसीना श्वेत जल। अच्छा हाँ, आपका जो शरीर है वो पसीने से लथपथ है, तो धनी मनी तो क्या, कोई और भी होता तो दुख का खा जाता। कैसी बात करती है आप, कपड़ों पे धूल लगी तो उससे क्या फर्क पड़ती? पड़ती मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, पड़ती। वो क्या है, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके वस्त्र सदैव स्वच्छ होते हैं, उनका शरीर अमूल्य आभूषणों से सुसज्जित। देखो हमारी ओर अच्छा लगती तुम, बहुत अच्छा लगती। हम सज्जन पुरुष होती, आभूषणों से लदी होती। अब ये जो आभूषण है, अब देखिए, अब हम यदि विजयनगर में मुंह पर अब कपड़ा रखकर यानी अपने मुंह को ढककर भी निकलेंगे तो हमारे आभूषणों को और वस्त्रों को देखकर लोग हमें पहचान लेंगे, हमारे पैर पड़ेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, हमसे आशीर्वाद लेंगे। अच्छा आप समझी, आपकी रियासत में कपड़ों की इज्जत इंसान से बढ़कर होती है? इंसान की कोई इज्जत है के लिए खुद? क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। बात करती है, क्षमा क्षमा। हमारे विजयनगर में तो ऐसा ही होता है। अब आपके बगबग में बगदाद बगदाद जी, अब आपके
बगदाद में कैसा होता है हम नहीं जानते। गुरुजी आपके पास वो है ना आपकी दिव्य दृष्टि, उसी दिव्य दृष्टि से पता कर लीजिए, हम तो उत्साहित हो रहे हैं जानने के लिए। छोड़िए छोड़िए इनकी बातों को, क्या सुन रहे हैं आप? आप ये बताइए कैसे आना हुआ? अरे वो तो भूल ही गई थी, हम तो दावत के लिए आई है राजगुरु, हम राज दरबार में वादा करी थी ना, हम खाने को आएगी, दावत पे आएगी। है दावत? अरे हाँ हमें याद आई, याद आया। धन्यवाद धन्यवाद मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, धन्यवाद, आपका हमारे निवास पर स्वागत है। वरुणमाला वरुणमाला, ये हमारी धनपत्नी वरुणमाला, वरुणमाला ये है मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, ये बगबग से आए हैं। बगदाद बगदाद, ये बगदाद से आए हैं, हमारे अतिथि हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। हमारे लिए भी। बगदाद से? हाँ। अर्थात मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, क्या वहाँ भी हमारे स्वामी के मंदिर है? क्या वहाँ के निवासी भी हमारे स्वामी की महिमा से परिचित है? शांत शांत वरुणमाला, शांत शांत। परंतु हम इच्छुक हैं जानने के स्वामी। हाँ कर लेना, अपनी इच्छा अवश्य पूरी कर लेना, किंतु भोजन के पश्चात भोजन की व्यवस्था करो। परंतु बाद में हम अवश्य पूछेंगे। हाँ ठीक है ठीक है जी, हम अभी आते हैं। जी जी जी। हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला, आइए आइए पधारिए, चलिए मत, आइए आइए। अम्मा पूछ लिए हमारे लिए आज कौन सी मिष्ठान लाए? अच्छा ये अल्प नहीं है, सारा दिन कहाँ थे, ये कोई समय है घर लौटने का? अम्मा ये पूछ रही थी। दरबार के कार्य में व्यस्त था शारदा, थोड़ा जल लाकर देना। अभी लाते। लामा आज तो चमत्कार हो गया। क्यों, तुझे श्लोक एक ही बार में कंठस्थ हो गए क्या? अले लामा तू भी ना सुन, आज अम्मा को प्रसाद में लड्डू मिले थे, उन्होंने वो लड्डू मुझे और शारदा को दे दिए। क्या बात कर रहा है, अम्मा ने प्रिय लड्डू तुम दोनों को बांट दिए? हाँ वो भी बिना मांगे, लामा तू होता ना तो तुझे भी बिना मांगे लड्डू मिलते। लो कर लो बात, यहाँ मैं बाहर बिन मांगी मिली वस्तुएं प्राप्त करने के लिए दर दर भटक रहा हूँ, और यहाँ मेरी अम्मा ऐसी वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण कर रही हैं। वाह लीजिए चाय लो। तो चिंता मत कर, कल पुनः प्रवचन के लिए जाऊंगी तो लड्डू मिलेंगे। अब तूने कह दिया है तो तेरे लिए भी लड्डू पचा कर रख लूंगी। वही तो त्रुटि हो गई अम्मा, कह दिया है, कहना नहीं था। हाँ 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 हाँ, हम हैरान है परेशान है पर खुश है कि इतना कम वक्त में आप ये सब कैसा बना लिया। परंतु मोहतरमा, यही कोई विशेष व्यंजन होगा, हमें क्षमा कर दीजिएगा, यदि हमें पता होता कि मोहतरमा कैसे बनाते हैं तो हम आपके लिए अवश्य ही बनाते। गुरु माता है हमारी, हमारी गुरु माता, सब कुछ बना दे। वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। स्वामी ये क्या कह रहे हैं? तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं, अर्थात तुम जाओ जाके और पूरी लेके आओ। जाने के लिए, जाने को बिस्मिल्लाह कहते हैं। अच्छा। अगली बार जब आप आएंगे तो हम मोहतरमा अवश्य बनवाएंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए। कह तो दिया, चली तो गई। हम खाना शुरू करने का बोलते हैं बिस्मिल्लाह, खाना शुरू करेंगे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, खाने के लिए कह रहे हैं। खाइए, खाना प्रारंभ करना। खाइए खाइए।
सुनिए, अब दरबार में नहीं घर में बैठे हैं। घर की चिंता कीजिए, घर की, दरबार की दरबार में। शारदा महोदया, यदि घर की चिंता भी मैं ही करूंगा तो आप किसकी चिंता करेंगी? हम आपकी चिंता करेंगे। मेरे प्रियतम, अरे बोलो। सुनिए ना, वो देखिए, वो कुर्सी टूट गई है। बड़ाई से जाकर उसकी मरम्मत करा दीजिए ना, जब गुरुवार आए थे तो गिर पड़े थे। प्रियतमा शारदा देवी, कृपया करके आज के दिन मुझे तंग ना करें। मैं बाद में कुर्सी की मरम्मत अवश्य कराऊंगा। बाद में का? कल? नहीं, कल तक तो हम भूल जाएंगे। उन्हें कोई कुर्सी से गिर पड़ेगा तब स्मरण आएगा। नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप आज ही इसकी मरम्मत करा दीजिए ना। शारदा, तुम्हें पता है आज सारा दिवस मैं नगर भ्रमण करता रहा हूँ, थकान के मारे कमर टूट रही है मेरी। इन्हें क्या हो गया? अब कौन सा भूत घुस गया इनमें? हम देखते हैं। नृत्य व्यायाम, व्यायाम नहीं करेगा तो ऐसा ही होगा। पता है महाराज जी ने अपने प्रवचन में बताया था कि मनुष्य के शरीर के लिए प्रतिदिन व्यायाम उत्तम होता है। मेरी सलाह मान तो तू भी प्रतिदिन प्रातः उठकर व्यायाम किया कर। अम्मा, बैठी 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 बैठी। क्या हुआ हमेश्वरी, कमर अकड़ गई? इसलिए सर्वप्रथम तुम व्यायाम करना आरंभ कर दो। क्या है कि तुम इस घर की मुखिया हो तो तुमसे प्रेरणा लेकर मैं भी नित्य व्यायाम किया करूंगा। हा? लामा लामा, तू मिली सलामान, क्यों नाम मुल्ला नसरुद्दीन जैसे गधा पाल ले, हमें तो अनुभव भी हो गया है। हैं? गधा पाल ले? अरे लामा, सच में गधा पालने में कोई व्यय नहीं है। लामा देख, प्लातो वो मुझे गुलुकुल चोलेगा, उसके पश्चात वो तुझे दलबाल चोल देगा। इस प्रकार तू दलबाल में समय से पहुँचेगा और तुझे महाराज की दाँत भी सुनने नहीं पड़ेगी। विक्षिप्त हो गया है क्या? नहीं, ये देखो, एक गधा दूसरे गधे को पालने की बात कर रहा है। यही बचा था वो भी कर लेता हूँ। शारदा, तुम क्या कह रही थी, कुर्सी की मरम्मत करवानी है ना? जी हाँ, मैं अभी बड़े को बुला कर लाता हूँ। अच्छा, व्यायाम करने और गधे पालने से तो अच्छा है मैं कुर्सी की मरम्मत ही करवा दूँ। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, ये क्या किया आपने? सारे वर्ष खराब कर दिए। लजीज उल्ला मरान रहे, विजयनगर राज्य ने सदैव ही बुद्धिमान प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान किया और ये मुल्ला नसरुद्दीन महोदय स्वयं एक महान दार्शनिक है। कई कई खा खा। नसरुद्दीन महोदय, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? खाने ही नहीं दे रहे। खाई खाई। बिस्मिल्लाह। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, क्या कर रहे हैं आप?
क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही है? आप ही बोला आपके विजयनगर में कपड़ों की कीमत इंसान से ज्यादा है, इसके वजह से हम आपके और आपके चेले के कपड़े की इज्जत करती है, डाल डाल कर उसकी इज्जत अफजाई करती है। अब वो आपकी जबान में क्या बोलती है उसको? हाँ, सम्मान करती है, सम्मान। हमारे स्वामी के वस्त्र भी उन्हीं के समान दिव्य हैं, हम भी उनका सम्मान करेंगे। आप ही हमारे लिए स्वामी हैं, आप ही देवता हैं, आप ही सब कुछ हैं हमारे लिए। स्वामी जी, स्वामी वरुण माला जी, ये क्या किया आपने? आपका सम्मान हो गया सम्मान, या और करना चाहती? जी पूर्ण हुआ। तो जाइए। जो आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आपने हमारे वस्त्रों का सम्मान किया, बहुत अच्छा। अब हम आपके वस्त्रों का सम्मान करेंगे। ना 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 ना, जनाबे राजगुरु, आप ही बोली थी हमारा कपड़ा गंदा है, उस पे धूल जमा हुआ है, इसके बाद से आपके चेला लोग हमको भिखारी बोला था। तो आप हमारा इसका इज्जत मत करो क्योंकि गंदा कपड़ा है। कलम ताजा कपड़ा पहन के आएगी, अच्छा कपड़ा पहन के आएगी, उसका इज्जत अफजाई करना आप। अभी हम देख रहे हैं आपका कपड़ा थोड़ा थोड़ा साफ दिख रहा है, वो दाल का कटोरी हमको दो, हम इज्जत से आपका इज्जत अफजाई करेगा। जो नहीं अपना इज्जत खुद कर लिया। मोहतरमा, इतना लजीज खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करती। धन्यवाद राजगुरु, अब आपसे इजाजत चाहती, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इजाज़ छोटा। राजगुरु आपको क्या लगती, पंडित रामाकृष्णा हमारी पहेली का हल ढूंढ पाएगी? हम कैसे बता सकते मुल्ला नसरुद्दीन महोदय? आपको भी क्या पता, कोई नींद गोद आती, अभी हम जाती। शब्बा खैर। समझ में नहीं आया मुझे। शब्बा ढेर, शब्बा कौन था जो ढेर हो गया? कुछ भी हो मनी, देख गुरु जी को ना देख, देख कर ही हंसी आ रही है मुझे। वाह, कितनी गहन निद्रा में सोए हम। ईश्वरी क्या कह रही थी, नित्य प्रातः उठकर व्यायाम किया कर। और वो देखो घंटी कुमार सलाह दे रहा था, लामा गधा पाल लेते हैं, गधा तो इकलौता ही पर्याप्त है, इस घर में एक ही गधे की आवश्यकता है। अब तो प्रतीत होता है तुक्कू राव जी ने जो सलाह दी है उस पर अमल करने की आवश्यकता है। मैं अवकाश लेकर अकेला ही किसी रमणीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़ता हूँ, इन सब से छुटकारा तो मिलेगा। ए बंधु! रामा तू किससे एकांत में बात कर रहा है? कोई देखेगा तो विक्षिप्त समझेगा, मुझे उठा दिया होता। तू चुप कर बंधु, मैं पहले से ही चिंतित हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय की पहेली कैसे सुलझाऊंगा, और इस चिंता में अनुवादन का कार्य भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। उचित है रामा, मैं तुझे और व्यथित नहीं करता, तुझे एकांत में जिससे भी बात करनी है कर, बस किसी भी प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की पहेली का हल खोज। हाँ हाँ तू सो जा। मानो
महाराज ने जो अनुवाद करने का कार्य दिया है वही पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। वर्षे सेठ राजा राम विजयनगर के इतिहास के संबंध में लिखने की सलाह दे रहे थे। सलाह सलाह सलाह, सब इतनी सलाह क्यों दे रहे हैं? बिन मांगे मिले जो चीज, करो पेश हमारे आगे और बन जाओ हमारे अजीज। और ध्यान रहे, आपको उस चीज को अपनी असलियत में रहते हुए ही पाना होगा, ये इस पहेली की शर्त है। व्यायाम करने सुबह का था तो लातली से आराम हो गया। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। प्रणाम प्रणाम। आदाब मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। प्रणाम प्रणाम, क्या बात है कोतवाल साहब, आज बहुत खुश दिखाई देती तुम। महोदय, आपने जैसा उपाय बताया था मैंने वैसा ही किया, एकदम घर में शांति। क्या बात करती है, चाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जनाब राजगुरु, कल हम आपके कपड़ों का इतना इज्जत अफजाई किया, वो कपड़ा उतार दी तुम, पहन के आती राज दरबार में सब देखती तो आपका सम्मान बढ़ जाती। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हम पूछना भूल गए, हमें आशा है कि हमारे घर का भोजन आपके मन को भाया होगा। हाँ, बहुत लजीज, बहुत लजीज। वो अपने पंडित रामाकृष्णा जी और महाराज जी आए नहीं? मुल्ला नसरुद्दीन जी, वो तो महाराज महाराज ही है ना, वो कभी भी आए कभी भी जाए, उन्हें कौन रोक सकता है। अब रही बात पंडित रामाकृष्णा की, पंडित रामाकृष्णा तो सदैव दरबार में विलंब से आते हैं, महाराज के मुंह जो लगे हैं इसलिए अनुचित लाभ उठाते हैं। हमारा एक राय है राजगुरु, आप भी महाराज के मुंह लग जाइए, कोई मनाही थोड़ी ना है। हम कैसे महाराज के मुंह लगे, वो जो पंडित रामाकृष्णा हमको अवसर ही नहीं देती देते। महाराज जो है सब समस्याओं का समाधान पंडित रामाकृष्णा से करवाते हैं। अच्छा, अब कई समस्याएं तो ऐसी होती हैं जो चुटकी बजाते ही पलक झपकते ही हम सुलझा सकते हैं, परंतु महाराज हमारी सहायता लेते ही नहीं, क्या करें। ओफ। हाँ महोदय, यदि महाराज मुझे आज्ञा दे तो मैं खुद सिद्ध कर सकता हूँ कि पंडित रामाकृष्ण से कम बुद्धिमान मैं नहीं हूँ। ऐसा बात है, परेशान मत हो, मैं आपके लिए महाराज जी से दरख्वास्त करूंगा। धन्यवाद। महाराज कृष्ण देव राय की, 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 महाराज कृष्ण देव राय की। आदा प्रणाम महाराज। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। हम उम्मीद करते हैं महाराज कि हमने जो पहली पूछा उसका आज हमको जवाब मिल जाएगी। जी जी, हम भी यही आशा करते हैं। आ गए आ गए। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, वो देखिए पंडित रामाकृष्ण इसे देरी से आए हैं। तो हम क्या करें, नृत्य करें? महाराज तुझे कुछ कहते नहीं। प्रणाम महाराज। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। महाराज वो मुल्ला नसरुद्दीन महोदय द्वारा पूछे गए प्रश्न का हल लाते लाते देरी हो गई।
तो आपको हल मिल गई, बिन मांगे पूछे जाने वाली चीज मिल गई। मिल गई मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, और इतनी मिली है कि पूरा थैला भर गया है। क्या बात करती है? हाँ आए वाह। हम भी देखते क्या मिला आपको इसमें। खोलो जल्दी खोलो, अभी दिखाता हूँ। अभी कह रहे थे थैला भर कर लाए हैं, अब ढूंढ रहे हैं। दिखाता हूँ गुरुवर। हाँ तो बताइए 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 बताइए। क्षमा करें, प्रातः से खांसी आ रही है। पंडित रामकृष्णा, हमारी सलाह मानिए, आप तुलसी का काढ़ा पी लीजिए, इससे आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। मैं बताता हूँ खांसी का रामबाण नुस्खा। पंडित रामकृष्ण जी, आप काली मिर्च को पीस के गुनगुने जल के साथ ग्रहण कर लीजिए, तुरंत आराम मिल जाएगा। सुनिए पंडित रामकृष्ण, आप एक कार्य कीजिए, हमारी सलाह मानिए, मधु ग्रहण कर लीजिए, जो आपकी खांसी है वो छो मंत्र हो जाएगी। गुनगुने जल के साथ ग्रहण कीजिए। पंडित रामकृष्ण, हमारी सलाह, हमारी सलाह मधु लीजिए। अरे हमारी सलाह, हम कह रहे हैं ना तुलसी का काढ़ा। नहीं हम कह रहे हैं। अरे आप दोनों चुप रहिए, हम कह रहे हैं हमारी सलाह मानिए, आप मधु लीजिए। अरे हमारी सलाह है कि तुलसी का काढ़ा लीजिए। हाँ मंत्री जी, हमारी सलाह है कि आप मधु ले लीजिए। अरे समझिए मेरा, हमारी सलाह है कि आपको ये करना है, आप तीनों ले लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, आशा करता हूँ आपको बिन मांगे दी जाने वाली वस्तु दिखाई दे रही है। बिन मांगे दी जाने वाली वस्तु दिखाई दे रही है? कहाँ है? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पंडित रामकृष्णा, आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। जी महाराज, महाराज बिन मांगे दी जाने वाली वस्तु होती है सलाह। जो इस समय मंत्रीवर, गुरुवर और कोतवाल महोदय मुझे दे रहे थे। सलाह ही वो एक ऐसी वस्तु है जो बिन मांगे भरपूर मात्रा में मनुष्य को प्राप्त होती ही रहती है। क्यों मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, मैं सत्य कह रहा हूं ना? पंडित रामकृष्णा, तुम बहुत सच बोला, तुम जीत गया। वाह वाह, हमारा दिल खुश कर दिया, आज से तुम हमारा अजीज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे। अद बेमिसाल पंडित रामकृष्णा। रामा, तूने मेरी रक्षा की, तू ही मेरा सच्चा मित्र है। पंडित रामकृष्णा तो बहुत चालाक है, इस दफा और भी मुश्किल पहेली पूछता हूँ। आपने हमको बहुत खुश किया, हमारा अगली पहेली का जवाब तो तुम यूं ढूंढ लेगा, क्योंकि बहुत आसान पहेली है वो। अब मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, थोड़ा अल्प विश्राम का समय भी नहीं मिलेगा, कहे कि मुझे अनुवादन का महत्वपूर्ण कार्य समाप्त करना है। अफसोस रामकृष्णा, हमारा वक्त रुखसती आ गया है, हमको बगदाद जाना है, वरना आप कुछ मांगे हम ना दें, ऐसे कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। अब हम हमारा दूसरा पहेली पूछती है, सब लोग गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिए। आपके शहर में है हमारा हमशक्ल, ढूंढो उसे लगाकर अपनी अकल। फिर से दोहराती है पहली। आपके शहर में है हमारा हमशक्ल, ढूंढो उसे लगाकर अपनी अकल।
आसान है। सोचो सोचो। हम शकल अकल, एक तो ऐसी उलझी हुई पहेली, वो भी विदेशी भाषा में। हमारे ज्ञानी गुरुजी कह तो ऐसे रहे हैं जैसे कि हिंदी में होता तो तुरंत बता देते। क्या हुआ पंडित रामाकृष्णा, पहेली मुश्किल लगती आपको? अरे क्या सोचती है, अकल के घोड़े दौड़ाओ, थकड़ा 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 दौड़ा दौड़ा। हम शकल अर्थात आपके जैसे चेहरे मोहरे वाले व्यक्ति। जी जनाब। विजयनगर में? जी जी। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आपके समान सूरत वाला व्यक्ति विजयनगर में वास्तव में है या काल्पनिक है? वास्तव में पंडित रामाकृष्णा, हम जब भी दरबार में आती जाती रोज देखती और वो हमारी नकल भी उतारती। अच्छा सुनो पंडित रामाकृष्णा, आपके पास कल तक का वक्त होती, कल तक ऐसा आदमी ढूंढ के लाना होगी। क्या हुआ रामा, किस सोच में डूब गया? बंधु ये दूसरी पहेली जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। क्यों सरल नहीं है? मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने स्वयं कहा है कि उनका हमशक्ल वास्तव में है, कोई कल्पना नहीं है, और जिसे वो दरबार आते जाते हुए देखते हैं। वही तो कठिन भाग है बंधु, इनके हमशक्ल को ढूंढना जो वास्तव में है, काल्पनिक नहीं है। रामा मुझे डरा मत। मैं क्या तुझे डराऊंगा, मैं तो स्वयं डरा हुआ हूँ। अगर तू भी डरेगा तो मेरे प्राण कौन बचाएगा? कुछ कर रामा, कुछ कर। करता हूँ करता हूँ, कल तक का समय है ना, तू शांत हो जा। प्रतीत होता है कि मुल्ला नसरुद्दीन महोदय अपने देश बगदाद मेरी चोटी और महाराज की मुझे अपने साथ ले जाकर ही रहेंगे। आप हमसे कुछ बोली? नहीं नहीं कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, नहीं कुछ नहीं बोला। उचित है, हम आशा करते हैं कि कल प्रातः तक पंडित रामकृष्ण आपकी दी हुई पहेली का हल ढूंढ निकालेंगे। जी महाराज। एक क्षण रुकिए पंडित रामकृष्णा। महाराज पंडित रामकृष्णा ने अभी तक अनुवाद पूर्ण नहीं किया है। महाराज वो मैं शीघ्र पूर्ण कर दूंगा, अब विश्वास रखिए। वो क्या है ना पंडित रामकृष्णा, आप हमारे प्रिय हैं तो इसलिए हम आपको स्मरण करवा रहे थे। जी गुरुवर, मुझे ज्ञात है कि मैं आपका सबसे प्रिय हूँ। स्मरण कराने के लिए धन्यवाद, वो मैं शीघ्र पूर्ण कर लूंगा। जाने की अनुमति चाहता हूँ महाराज। अनुमति है पंडित रामकृष्ण। प्रणाम। प्रणाम गुरुवर जी। शक्ल को कहाँ ढूंढेगा? बंधु मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की पहेली में अवश्य ही कोई गहरा अर्थ छुपा है। जितना गहरा उतरना है उतना गहरा उतर रामा, बस मुझे बचा ले। तू शांत हो जा बंधु, मैंने कहा ना मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। देख मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने ये कहा था कि प्रतिदिन दरबार जाते हुए उनका हमशक्ल उन्हें मिलता है, तो सर्वप्रथम दरबार से सराय तक जहाँ वो रुके हैं एक चक्कर लगाते हैं। क्या पता मार्ग में कोई संकेत या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इस पहेली को सुलझाने में सहायक हो। महाराज पंडित रामकृष्ण की तरह आप जनाबे राजगुरु जनाबे कोतवाल साहब को एक मौका जरूर दें, ये हमारा दरख्वास्त है। जी कह
कैसा मौका महोदय? अपना अकलमंदी दिखाने का। हो सकता है राजगुरु और कोतवाल के रूप में आपको एक रामाकृष्ण मिल जाए। सोचती की बात है, सोचिए वो आपकी भाषा में, विचार कीजिए, विचार कीजिए, थोड़ा कीजिए। देखिए मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हमारे विचार से प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्थान होता है, एक महत्वता होती है। जैसे गुरुवर हमारे राजगुरु हैं, उनकी एक विशेष महत्वता है। कोतवाल महोदय का अपना स्थान है, पंडित रामकृष्ण का अपना स्थान है। ये भी सच है कि इन दोनों में से पंडित रामकृष्ण की जगह कोई नहीं ले पाई। ठीक है, हम बगदाद में पंडित रामकृष्ण का नाम सुनी है, ये दोनों के नाम पे तो कौवा भी नहीं बोलती उधर। अवश्य मुला नसरुद्दीन महोदय गुरुवर और कोतवाल को उकसाकर अपने झांसे में लेने की योजना बना रहे हैं। महाराज हमारी ख्वाहिश है कि आप इन दोनों को अकलमंदी साबित करने का मौका दें, हमारी ख्वाहिश है ये। महाराज ख्वाहिश वो तो नहीं, वो आपकी भाषा में कहते दिली इच्छा। दिली इच्छा। महाराज हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की ख्वाहिश दिली इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। हाँ महाराज। गुरुवर महाराज हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। गुरुवर हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय उचित कह रहे हैं आप, हमने भी विचार किया और हम सोच रहे हैं इन दोनों को भी अर्थात गुरुवर को और कोतवाल महोदय को दोनों को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का एक अवसर हमें देना चाहिए। तो आप इन दोनों से भी एक एक पहेली पूछ लीजिए। जी पंडित रामकृष्ण आप तो चले गए लेकिन यहां मुला नसरुद्दीन ने गुरुवर को फंसा दिया है। व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो दूर दूर तक मुल्ला नसरुद्दीन महोदय के समान हो। हिम्मत मत हार बंधु, हिम्मत मत हार। जब तक अपनी बुद्धि से कोई उपाय नहीं मिल जाता, हमें मुल्ला नसरुद्दीन महोदय के समान दिखने वाले व्यक्ति को ढूंढते रहना होगा। जो भी करना है शीघ्र कर, दिन व्यतीत हो रहा है। हाँ बंधु हाँ, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने कहा था कि उनके समान दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में काल्पनिक नहीं है। विजयनगर के दक्षिण दिशा में प्राय विदेशी व्यापारी अपना डेरा लगाते हैं, जहां मुल्ला नसरुद्दीन महोदय के देश बगदाद के आसपास के स्थान के व्यापारी भी आते हैं। हमें वहां चलना चाहिए, क्या पता वहां चलकर पहेली हल करने का कोई संकेत मिल जाए। चल चल। ओ शुक्रान शुक्रान मशकूर। अच्छा अभी हम दोनों को एक ही पहेली देती है, दोनों मिलकर इसको हल करने का। एक ही क्यों, हमें पृथक पृथक पहेली दीजिए। वो कोतवाल, हम राजगुरु, कहाँ उनका स्तर, कहाँ हमारा स्तर, तो पहेली का स्तर भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। जनाबे राजगुरु ये पहेली उस पहेली से भी मुश्किल है जो हमने पंडित रामकृष्ण को दी है, इसलिए आप दोनों मिलकर इसका हल ढूंढो। अच्छा कोतवाल क्या हल ढूंढेगा, हमें ही पहेली का हल ढूंढना होगा। जनाबे राजगुरु, जनाबे कोतवाल, आप हमें बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या होती है। और सुनिए सुनिए सुनिए, पंडित रामकृष्ण की तरह आपके पास भी कल सुबह तक का वक्त होती है। एक बात और,
अगर पहली में दांव पर कुछ ना लगा हो तो मजा नहीं आती। हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो इस पहली को हम और दिलचस्प बनाना चाहते हैं। अवश्य, आज्ञा है। शुक्रिया इनायत। जनाबे राजगुरु, जनाबे कोतवाल, अगर कल सुबह तक आप पहली का हल नहीं ढूंढ पाई तो आपको अपना ओहदा छोड़ना पड़ेगा। ओहदे? ये ओहदे से क्या तात्पर्य है आपका मुल्ला नसरुद्दीन महोदय? ओहदा, ओहदा मतलब पद जो महाराज ने आपको दिया है। कल सुबह तक अगर आपने पहली का हल नहीं ढूंढा तो आपको राजगुरु का पद और आपको कोतवाल का पद छोड़ना पड़ेगी। गंभीर हो गए आप तो। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आप तो गंभीर हो गए। आप गंभीर क्यों हो गए? बस ये तो खेल है राजगुरु। ये आपकी अकलमंदी से जुड़ा हुआ मसला है। हम संजीदा नहीं होंगे तो कौन होगी? अरे मंत्री, मेरा क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं मंत्री। और लो पहली, लो, लो। कहाँ लिया उन्होंने? दिया। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने एक और हमारी मूछ और रामा की चोटी पर दाव खेला है तो दूसरी ओर गुरुवर और कोतवाल का पद भी दांव पर लगा दिया है। हमें मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को रोकना होगा। शहर में है हमारा हमशक्ल, ढूंढो उसे लगाकर अपनी अकल। वास्तव में पंडित रामा कृष्णा हम जब भी दरबार में आती जाती रोज देखती और वो हमारी नकल भी उतारती। नसरुद्दीन महोदय की पहली का वैसे ही कोई गूढ़ अर्थ है किंतु क्या? यहाँ तो सभी मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की तरह ही प्रतीत हो रहे हैं। सबकी वेशभूषा भी उन्हीं के समान है किंतु इनमें से कोई भी उनका हमशक्ल नहीं है। मैं आया तो सही स्थान पर हूँ। उस पहली का हल भी यहीं से मिलना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, आप यहाँ? प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप यहाँ कभी पूर्व में नहीं आए? आज कोई विशेष प्रयोजन है? जी, अब क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो गधे की सवारी करता हो? गधे पर? गधे पर? हाँ पंडित रामकृष्णा, एक व्यक्ति है कमलुद्दीन दोसा। मैंने अक्सर उसे गधे पर बैठे देखा और वो भी उल्टा। उल्टा? वो मुझे वो कमलुद्दीन महोदय से मिलना है। इस समय कहाँ मिलेंगे? वो गाय चराने के अपने गधे पर बैठ के जंगल की ओर। उचित है, धन्यवाद। गुरुवर जी, कोतवाल महोदय, यदि आप इस पहेली का हल ढूंढना नहीं चाहते हैं तो हम इनसे बात करते हैं कि नहीं, क्यों क्यों नहीं करेंगे महाराज? करेंगे, अवश्य करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कल प्रातः तक हम इस पहेली का हल अवश्य ढूंढ निकालेंगे। हाँ गुरुवर, सत्य कह रहे हैं महाराज। उचित है, उचित है, क्या किया जा सकता है। ये तो बड़ी सरल पहेली है महाराज। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, हम निवास पर जाएंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे। जैसे ही हम ध्यान में बैठेंगे तो पहेली काल स्वयं हमारे समक्ष आ जाएगा। महाराज, मुझे कल प्रातः तक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पहेली काल ज्ञात हो गया। ये फिर टपका कोतवाल मध्य में। गुरुजी, गुरुजी, कोतवाल को पहले का हल सूझ गया। शीघ्रता से कुछ कीजिए, अन्यथा एक कोतवाल विजयी हो जाएगा और आपको अपनी बुद्धिमता दिखाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। गुरुजी, यदि कोतवाल ने उत्तर दे दिया तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगा। लोग बातें बनाएंगे, बातें, यही कहेंगे कि निम्न स्तर के कोतवाल ने उत्तर दे दिया और आप महान गुरु तथाचार्य। और फिर गुरुजी, महाराज कोतवाल को आपकी जगह राजगुरु बना देंगे और आपको कोतवाल बना देंगे। अच्छा है। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज।
धीम तकड़ धीम। अरे शिष्यो उधर कहाँ, इधर गुरु इधर। नहीं वाह, ये तो बिल्कुल मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जैसा दिखता है। अवश्य यही उनका हम शक्ल होगा। प्रणाम महोदय। अरे इनका मुख तो ढका हुआ है। महोदय क्या आप ही कमलुद्दीन महोदय हैं? जी मैं पंडित रामाकृष्णा विजयनगर राज्य का। अल्लाह आपको कौन नहीं जानता पंडित रामाकृष्णा। जय हो माँ की। कमलुद्दीन महोदय क्या आप मुल्ला नसरुद्दीन महोदय नाम के किसी व्यक्ति से परिचित हैं? मुल्ला नसरुद्दीन जी जनाब जी। उनके किस्से और कहानियाँ बहुत सुने हैं हमने। वल्लाह सुना है कि वो इस वक्त विजयनगर पधारे हुए हैं। क्या ये सच है? हाँ हाँ पधारे हुए हैं ना। कृपया आप अपने मुख से वस्त्र हटाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपका मुख देखने को इच्छुक हूँ। जनाब मेरा चेहरा इतना सुंदर नहीं है कि स्वयं पंडित रामाकृष्णा राज दरबार से यहाँ आकर मुझे देखे। कमलुद्दीन महोदय मैं दरबार के किसी विशेष कार्य हेतु आया हूँ। कृपया वस्त्र हटाएं। हीरा पर बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई है। ओ, इसने भी अपने गधे का नामकरण किया हुआ है। पंडित रामाकृष्णा वल्लाह आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा हाँ बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरी गायों ने घास चर ली है, उन्हें बहुत प्यास लगी है, आप इन्हें पानी पिला लाइए। उतनी देर में मैं पेड़ के नीचे लेटकर अपनी कमर सीधी कर लूंगा। ये भी मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय की तरह विचित्र है, हो ना हो यही वो व्यक्ति है जिसे मैं खोज रहा हूँ। ज्यादा सोच मत, जो ये कह रहा है कर ले, क्योंकि दूध देने वाली गाय की लात भी सहनी पड़ती है। किस सोच में पड़ गए जनाब? कमलुद्दीन महोदय क्या है कि मैंने कभी गायों को चराया नहीं है। वल्लाह ये तो और अच्छा है जनाब, आपको एक और तजुर्बा मिलेगा। उचित है, मैं इन्हें पानी पिला लाता हूँ। गाय माता आओ। इनको क्या हो गया? क्या हुआ गुरुवर? गुरुवर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? नहीं महाराज, नहीं हो कुछ नहीं वो। महाराज एक अनुचित उत्तर हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करने के लिए हमारे मस्तिष्क को खटखटा रहा था और हम उसे नकार रहे थे, इसलिए हमने कह दिया नहीं। ठीक उचित उचित हाँ हाँ। तो कोतवाल महोदय आप बता रहे थे कि इनकी पहेली का उत्तर आपको याद हो गया है। हाँ महाराज, पहेली का हल है भूख। हाँ महाराज, भूख जो है संसार में किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकती है। ना 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 ना, अनुचित उत्तर अनुचित उत्तर। महाराज ये कोतवाल महोदय अनाप शनाप उत्तर दे रहे। कोतवाल महोदय हमारी तरह सोच विचार कर अपना मुख खोला कीजिए, समझे आप? कुछ भी उत्तर मत दीजिए आप। महाराज हमें उत्तर सूझ गया है, इस संसार में सबसे विशाल भूख नहीं है, भूख नहीं है महाराज, सबसे विशाल है सर्वशक्तिमान तीनों लोकों के स्वामी ईश्वर। ईश्वर ही सबसे विशाल था, ईश्वर ही सबसे विशाल है और ईश्वर ही सबसे विशाल होगा।
क्यों मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हमारा उत्तर सही है या नहीं? जनाबे राजगुरु, आपका जवाब सही। हमने कहा था ना महाराज कि हम सत्य कह रहे हैं, हमारा उत्तर उचित है और कोतवाल का उत्तर अनुचित है। जनाबे राजगुरु, हमारी पूरी बात तो सुन ले। हमने पूरी बात नहीं सुनी? नहीं तो बोली। हम कह रहे हैं कि आपका जवाब तब सही होती जब ईश्वर खुदा कोई चीज होती, और ईश्वर तो सभी चीजों की होने की वजह है, क्या बात करती है। जनाबे कोतवाल, भूख भी सबसे बड़ी चीज नहीं। शेर कितना भी भूखा रहे, घास नहीं खाती। और शेर ही क्या, भूख बकरी को भी घास के अलावा कुछ भी खाने को मजबूर नहीं कर सकती, बात करता है। धनी, हमारा बरसों का सपना पूरा हुआ। अब तो बुड्ढे को अपना राजगुरु का पद छोड़ना ही पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, वो हम। अरे आप फिक्र क्यों करती जनाबे राजगुरु, जनाबे कोतवाल, एक रात का वक्त तो हम आपको पहले दे चुके हैं, इस बार सोच समझ के जवाब देना। हमने अकारण मुसीबत मोल ले ली, अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी। हाय। अच्छा हुजूर, अभी हम जाएगी, आपका इजाजत। खुदा हाफिज। प्रणाम। अल्लाह हाफिज। आदाब। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपकी गायों ने पानी पिया, पेट भर के पानी पिया। शुक्रिया जनाब। बाप कृपया। जरूर जरूर। पंडित रामाकृष्णा, मेरे समझ में एक बात नहीं आती, मेरा ये चेहरा मेरे पड़ोसी, मेरी बेगम, मेरे बच्चे तक देखना नहीं चाहते, पर आप क्यों देखना चाहते हैं? क्या खास बात है मेरे इस चेहरे में? कुछ नहीं है आपके चेहरे में। नहीं नहीं, क्षमा करना, मैं किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगा वो व्यक्ति आप ही हैं। आपको असुविधा हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ पंडित रामाकृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेरी गाय को पानी पिलाने के लिए। गौ माता, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। हाँ बंधु, मेरे भीतर जो भी ऊर्जा शेष बची थी वो गायों की भेंट चढ़ गई। अब मैं केवल विश्राम करना चाहता हूँ। यहाँ तेरे मित्र की जान पर बनाई है और तुझे विश्राम करने की पड़ी है। बंधु, विश्राम करूँगा तभी कुछ सोच पाऊंगा ना।
गुरुजी आप अंतर्यामी हैं। हाँ है तो। आप सिद्ध पुरुष हैं। हाँ है तो। आप दिव्य दृष्टि धारक हैं। हाँ है तो। तो आपके लिए तो ये पहेली का हल बच्चों का खेल जैसा है। हाँ होगा तो। तो सब कुछ है तो फिर पहेली का हल क्यों नहीं है? अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए गुरुवर। मूर्खों क्या कोतवाल हैं? क्या कहना चाहते हो कि हम एक तुच्छ से पहेली के लिए अपनी विलक्षण शक्तियों का प्रयोग करें? कदापि नहीं। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो यदि है तो। गुरुजी धनी मनी के हिसाब से तो विजयनगर में सबसे बड़ी राजमहल की दीवारें हैं गुरुजी, मान जाइए। हाँ राजमहल की दीवारें नहीं है, विजयनगर के बाहर स्थित नारियल का वृक्ष है। अब क्या कह रहे कोतवाल साहब? ओहो सबसे बड़ी दीवारें राजमहल की हैं, वही है सबसे बड़ी वस्तु। अरे बोला ना नारियल का वृक्ष है। नहीं कोतवाल साहब, विजयनगर की दीवारें सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी दीवारें हैं विजयनगर की। अरे चुप रहो मूर्ख चुप रहो। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय ने विजयनगर की नहीं अभी तो संसार की सबसे विशाल वस्तु क्या है ये प्रश्न पूछा है। पूछा था। हाँ। बक 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 कर रहा है। आ रहा है। आने ही वाला है। कुछ है गुरुजी? चलो हमारे साथ। आओ आ चल। मस्तिष्क में आ गया। हाँ। शारदा थोड़ा जल देना। हाँ लाते हैं। लामा लामा पता आज गुलगुल में क्या हुआ? नहीं 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 पता गुंडप्पे, नहीं पता और पता करना भी नहीं है। देख मेरी आज की ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, मुझे विश्राम करने दे। हाँ आपको कल कहा था ना कि दरबार की चिंता दरबार में ही छोड़ के आया कीजिए। हम सारा दिवस आपके दरबार से आने की प्रतीक्षा करते हैं और सोचते हैं कि कुछ क्षण आपके साथ व्यतीत करेंगे और आप है कि और कुछ नहीं तो प्यार के दो मीठे बोल ही बोल लिया कर घर आकर ऐसे पस्त हो जाता है कि जैसे युद्ध लड़कर आया हो। हालत देखिए अपनी। प्यार से बोलूं? अभी बोलता हूँ। शारदा महोदया दरबार में मेरा हर दिवस ऐसे व्यतीत होता है जैसे जैसे कोई युद्ध हो। गुरुवर के नित नए षड्यंत्रों से स्वयं की रक्षा करना, दरबार में नए नए विचित्र विचित्र समस्याओं का निवारण करना दरबार में मेरा प्रतिदिन का कार्य है। ऊपर से महाराज ने ग्रंथों के अनुवाद करने का कार्य भी मुझे ही सौंपा है। प्रतिदिन सोचता हूँ कि घर जाऊंगा और विश्राम करूंगा, किंतु नहीं, तुम दोनों शेरनिया उलाहना देना आरंभ कर देती हैं। कितना कार्य करूंगा मैं, मेरी सहन शक्ति क्षीण हो गई है, मैं भी तो मनुष्य हूँ। आइयो। क्यों कोई शक है तुम्हें? क्या है अब लाठी क्यों बजा रही हो? अम्मा लाठी नहीं बजा रही है, द्वार पर कोई है। द्वार पर कोई है तो जाकर देखो ना कौन है। देख रहे। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। आप सब इस समय? और नहीं तो क्या, आना पड़ा। देखिए पंडित रामकृष्ण आपके पास समय अल्प है और अनुवाद करने के लिए ग्रंथ अधिक, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपकी कुछ सहायता कर दें। और स्मरण है ना, स्मरण है ना, महाराज ने भी ऐसा करने के लिए आपको आदेश दिया है। रामा सावधान हो जा, तथाचार्य और तेरी सहायता अवश्य ही दाल में कुछ काला है। चुप कर बंधु। जी गुरुवर जी। और हाँ अम्मा अम्मा आपको क्या थे वो मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय? मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय द्वारा दी गई पहेली का हल करने का अतिरिक्त बोझ भी महाराज ने पंडित रामकृष्ण के सक्षम कंधों पर डाल दिया है। हाँ, और इनके साथ साथ हमारे कंधे पे भी। आप भी श्री टू टपक रहे हैं। अच्छा।
शांत रहिए आप, हम बात कर रहे हैं ना। हाँ नहीं, पंडित रामकृष्ण ग्रंथ लेकर आई। जी गुरुवर, अभी लेकर आता हूँ। धनी मनी कृपया सहायता करें। जा, जा, जी पंडित राम, जा शीघ्र जा। इससे हो पाएगा? लाइए लाइए, हाँ लाइए लाइए, हाँ रखिए, लाइए यहाँ रखिए, यहाँ हाँ यहाँ रखिए, वाह रखिए रखिए, लाइए 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 रखिए, ये रखिए यहाँ रखिए, ये लीजिए गुरुवर, सभी ग्रंथ है। पंडित रामकृष्णा जी, दरबार में मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने मुझसे और गुरुवर से पहली पूछी। आप दोनों से भी पूछ डाली? हाँ पूछ डाली, और कल प्रातः तक पहली का हल चाहिए। पंडित रामकृष्णा जी, कोतवाल जी ने और गुरुजी ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो आप दोनों ने इन दोनों को चेताया नहीं? हाँ पंडित रामकृष्णा जी चेताना चाहते थे, किंतु हमारी सुनते कहाँ है गुरु जी, किंतु महाराज ने अवश्य चेताया था फिर भी नहीं समझे। पंडित रामकृष्णा जी, अगर कल प्रातः तक हमने पहले का हल नहीं दिया तो गुरुदेव का राजगुरु का पद और मुझसे मेरे कोतवाल का पद विमुक्त हो जाएगा। अरे वाह, अच्छा अरे वाह, हमारे यहाँ पे आपकी वाह। नहीं नहीं, कहने का अर्थ था, परंतु अत्यंत सरल है, अनुवाद करने में तो हमें निपुणता है। पंडित रामकृष्णा जी मार्गदर्शन कीजिए। अनुवाद करने में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे पंडित रामकृष्णा। ना 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 मत कीजिएगा, ना मत कीजिएगा। नहीं नहीं, महाराज ने भी ऐसा आदेश दिया था। हाँ गुरुवर, स्मरण है मुझे, उचित है तो आप लिखिए। आप कहाँ जा रहे हैं पंडित रामकृष्णा? अब जब मेरा कार्य आप ही कर रहे हैं तो मेरी यहाँ क्या आवश्यकता? वही तो पंडित रामकृष्णा, हम आपका काम कर रहे हैं, आप हमारा काम कीजिए। उचित है, पूछिए भाई। संसार में सबसे विशाल वस्तु कौन सी? सोचिए सोचिए सोचिए। हमें भी अनुवाद करने में पूरी रात्रि लग जाएगी, आप भी पूरी रात्रि लीजिए। समस्त रात्रि सोचिए, आराम से सोचिए पंडित रामकृष्ण। रामा, तू अपनी पहेली का ही हल नहीं खोज पा रहा, इनकी पहेली का हल कहाँ से खोजेगा? तू चिंतित मत हो बंधु, गुरुवर ने मेरा अनुवादन का कार्य संभाल कर मेरा आधा कार्य पूर्ण कर दिया है, अब मुझे बस पहेली का हल खोजना है। पहेली नहीं रामा, पहेलियाँ। क्या थे मुझे, तू शांत रह। अरे पंडित रामकृष्ण जी, आप किससे बात कर रहे हैं? किसी से भी तो नहीं कोतवाल जी, किसी से भी नहीं। अरे आप तीनों विराजे तो सही, बैठिए बैठिए। बैठा जाए, वहां जाइए। पंडित रामकृष्णा, ये करने से कुछ नहीं होगा, तुम डाल डाल तो हम बात बात, हम देखते जाओ, तुम दोगे पहेली का उत्तर, हम करेंगे मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को निरुत्तर और बने रहेंगे विजयनगर के गुरुवर। आप क्या बात? महाराज, हमने आपके लिए कुछ सोचा है। क्या सोचा है आपने? आपकी मूछें हमारे लिए अमूल्य है महाराज, परंतु इससे पहले कोई और इनका स्वामी बन जाए, आप ये मूछें हमें प्रदान कर दीजिए। क्या सेवक, महाराज की मूछें साफ कर दो और हमें प्रदान कर दो। महाराज अनुमति दीजिए। नहीं, नहीं, खबरदार, दूर रहिए, हम अपनी मूछ किसी को नहीं देंगे, आप जाइए यहाँ से।
हम आपको आदेश देते हैं, जाइए यहाँ से। सेवक, रुक जाओ सेवक, रुक जाओ। अरे अन्यथा हम आपके प्राण ले लेंगे। हमने कहा महाराज की मुझे साफ करके हमें प्रदान करो, चलो। महाराज, महाराज का गायब हो गए। सेवक, महाराज। अरे पंडित रामकृष्ण जी, आप अभी भी जगे हुए हैं? मैं तो कहता हूँ थोड़ा आप भी विश्राम कर लीजिए। नहीं नहीं कोतवाल जी, यदि सब सो जाएंगे तो गुरुवर को भी निद्रा आ जाएगी। पंडित रामकृष्णा, दिए में तेल समाप्त हो रहा है। मैं अभी इस दिए में तेल भरकर लाता हूँ। हाँ ला, ला। अरे गुरुवर, 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 तेल में दिया डाल, दिए में तेल डाल दिया, डाल दिया। आप लिखिए। धन्यवाद। हाँ लिखते हैं। अब ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पंडित रामकृष्ण जी आप निश्चिंत रहिए, मैं अब उठ गया हूँ। मैं भले ही दोबारा झपकी ले लूं, लेकिन गुरुवर को पल भर की झपकी नहीं लेने दूंगा, ये मेरा वचन है आपसे। उचित है गुरुवर महोदय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हमारे सर पर सवार होने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हम कहाँ प्रयास कर रहे हैं? दूर हटो। ये हट गया। और हटो, खड़े हो। ईश्वर, इतने तनाव में भी इतने चैन से सो रहे हैं। अवश्य अवश्य इन्हें समस्या का कोई हल मिल गया है। आइए आइए, हाय हाय हाय। अरे आपको जानकर थी प्रसन्नता होगी, प्रथम ग्रंथ पूर्ण हुआ। ये लीजिए आपका ग्रंथ। हो, आपको कोटि कोटि नमन गुरुवर, कोटि कोटि नमन। यदि आप मेरी सहायता नहीं करते ना तो मैं तो बस हो गया नमन, हो गया नमन। देखिए हमने अपना कार्य किया, आप अपना कार्य कर दीजिए। वो पहली का उत्तर दीजिए। पहली का उत्तर दीजिए। पहली का उत्तर दीजिए। कौन सी पहली का उत्तर गुरुवर? अरे वो मुल्ला नसरुद्दीन महोदय द्वारा दी गई पहली का उत्तर दीजिए। संसार में सबसे विशाल वस्तु क्या है? अच्छा वो पहली। हाँ, वो पहली। गुरुवर आप एक कार्य कीजिए। हाँ बोलो। आप घर जाकर स्नान कीजिए, तब तक मैं पहली का उत्तर सोचता हूँ। ठीक। तो पंडित रामकृष्ण, समस्त रात्रि क्या किया आपने? रात्रि भर आपको कुछ नहीं सूझा?
अब नहीं सूझा तो नहीं सूझा गुरुवर। जब तक आप पुत्र नहीं देंगे हम भी यहाँ से हिलेंगे नहीं। अरे पर तनिक धीरज रखिए। देखिए आपने मेरी सहायता की है तो मैं भी आपकी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु इस समय आप घर जाइए। हाँ पंडित रामकृष्णा समझने का प्रयत्न कीजिए, इस पहेली का उत्तर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे राजगुरु के पद पर इस पहेली का संकट मंडरा रहा है। तो आप क्यों चिंतित होते हैं गुरुवर, मुझ पर भरोसा रखिए। पक्का? पक्का। वचन दीजिए तब हम यहाँ से जाएंगे। अच्छा मैं वचन देता हूँ, अब तो आप घर जाइए। हम अभी स्नान करके आते हैं। उठो गधो। गुरुजी। पंडित रामकृष्णा, हम आ गए पंडित रामकृष्णा। अरे अरे आइए आइए गुरुवर, आपका स्वागत है। स्नान करने के पश्चात आप तो अति सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। धन्यवाद। मिला? क्या मिला? वो मिला। वो क्या मिला? उत्तर मिला। किसका उत्तर गुरुवर? अरे पंडित रामकृष्ण, जो हमने आपको बताया। मिला मिला, मिल गया गुरुवर, उत्तर मिल गया। अब मिला गुरुवर, पहले डांट देना था। आपको किसने कहा बीच में कूदने के लिए? अच्छा ठीक, बताइए। धीरज रखिए गुरुवर, धीरज रखिए, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? पहले कृपया वो ग्रंथ उठाइए। अच्छा हम ग्रंथ उठाएं। केवल उठाएं ही नहीं गुरुवर, ग्रंथ उठाकर उसे पकड़कर मेरे साथ दरबार भी चलें। पंडित रामकृष्णा, तुम्हारा इतना दुस्साहस? हम विजयनगर राज्य राजगुरु हैं। राजगुरु हैं, यहाँ सबको पता है, किंतु आज आपका पद दांव पे लगा है गुरुजी। हाँ वो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम क्यों उठाएं? हमारे प्रिय शिष्य धनी मनी उपलब्ध है ना ग्रंथ उठाने के लिए, तो हम क्यों उठाएं? ना 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 गुरुवर, ग्रंथ तो आपको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि कोतवाल महोदय और धनी मनी तो पालकी उठाएंगे। पालकी? ओह डियर, किसकी पालकी? आता हूँ अम्मा। चलिए भाई दरबार चलते हैं। पंडित रामा की जय हो, 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 पंडित रामा की जय हो। कैसा विचित्र दृश्य है, पंडित रामा पालकी में और राजगुरु तथाचार्य सेवक की भांति पैदल। हम तुमसे अपमान का बदला अवश्य लेंगे, एक बार हमें हमारी पहेली का उत्तर मिल जाए। महाराज लगता है तीनों दावेदार ने हार मान ली है, वो विजयनगर छोड़ के भाग गई है, नहीं आएगी। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, थोड़ी और प्रतीक्षा कर लेते हैं, आ जाएंगे वो। रामकृष्ण,
इधर ऐसे ऐसे आ जाओ मुड़। गुरुवर, कोतवाल, ये कौन है? पंडित रामाकृष्ण महाराज, ये रुक जाओ रुक जाओ, पालकी नीचे रखो मेरे बच्चों। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, मैंने पंडित रामाकृष्णा जी से दरबार के बाहर अनुरोध किया था कि दरबार के बाहर ही पालकी से उतर जाएं, परंतु महाराज ये माने नहीं। पालकी अंदर लाने के लिए उन्होंने मुझे बाध्य किया। हमें भी महाराज बाध्य किया कि हम ये पंडित रामाकृष्णा, क्या हो रहा है ये सब? क्षमा करें महाराज, किंतु ये मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय द्वारा गुरुवर और कोतवाल जी से पूछी गई पहेली का उत्तर है। जी महाराज, गुरुवर और कोतवाल जी ने अपने अथक परिश्रम से मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय द्वारा पूछी गई पहेली का हल ढूंढ लिया है। हमने? हाँ गुरुवर। कब? अभी। कहाँ? यहीं। कैसे? महाराज, गुरुवर हमारे राज्य के राजगुरु हैं, सदैव भक्ति भावना में लीन रहते हैं, है ना गुरुवर? वो तो है। आपको राजधर्म संबंधी विषयों पर सही सलाह भी देते हैं, है ना गुरुवर? वो भी है। और कोतवाल महोदय की मुस्तैदी से चोर उचक्के विजयनगर से कोसों दूर रहते हैं, है ना कोतवाल महोदय? हाँ महाराज, ये तो पूर्णतः सत्य है। जी, और दरबार में आई सभी चुनौतियों को पूर्ण करने का दायित्व मेरा होता है, इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय द्वारा गुरुवर और कोतवाल जी से पूछी गई पहेली का हल मैं दूंगा। यदि मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय मुझे आज्ञा दें तो देंगी देंगी, आज्ञा क्यों नहीं देंगी, अवश्य देंगी देंगी। पंडित रामाकृष्णा, इजाजत है। धन्यवाद। तो आपके द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर है ये है? पालकी पालकी पालकी। आपकी पहेली का उत्तर है ये है। ये ग्रंथ। ग्रंथ? ये तो अनुवादित ग्रंथ है जिसका अनुवाद हमने किया है। इसमें उत्तर छुपा है और हमें पता ही नहीं। पंडित रामकृष्णा महाराज, आप जो कहना चाहते हैं सरल भाषा में कहिए। जी महाराज। महाराज, मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय द्वारा पूछी गई पहेली कि संसार की सबसे बड़ी वस्तु क्या है का उत्तर है विवशता। है विवशता। विवशता। विवशता? जी गुरुवर, जिसे मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय अपनी भाषा में गरज कहते हैं। महाराज, गरज अर्थात विवशता इतनी प्रबल इतनी विशाल होती है कि किसी भी मनुष्य से कुछ भी करवा सकती है। उदाहरण आपके समक्ष है महाराज। अब गुरुवर और कोतवाल महोदय की ये इच्छा थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर मैं ढूंढूं। उनकी इस इच्छा ने उन्हें इतना विवश कर दिया कि गुरुवर मेरा ग्रंथ उठाकर और कोतवाल महोदय स्वयं मुझे पालकी पर उठाकर मेरे निवास स्थान से मुझे दरबार तक लेकर आए, ये जानते हुए कि आप दरबार में उपस्थित होंगे और यदि आप क्रोधित हो गए तो कड़ा दंड भी दे सकते हैं।
किंतु मेरे द्वारा विवश करने पर ये मुझे पालकी पर उठाकर दरबार के भीतर तक लेकर आए महाराज। अब आप ही बताएं महाराज, इस संसार में विवशता से बड़ी वस्तु और क्या हो सकती है? अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। क्यों मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ पंडित रामकृष्ण, आपका जवाब एकदम दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब राजगुरु जी, अभी तो आप समझ गई होगी कि महाराज हर मुश्किल काम का हल ढूंढने के लिए पंडित रामकृष्ण को क्यों बोलती है। हाँ मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, क्योंकि ये कार्य पंडित रामकृष्ण का है। मैं तो महाराज जानती है भाई, इसके आगे बीन बजाने से क्या फायदे है? आपने कुछ कहा मुल्ला नसरुद्दीन महोदय? किसके आगे बीन बजाती? नहीं हम अकेले में बड़बड़ते रहती है, हम अकेला बड़बड़ती। बहुत खूब पंडित रामकृष्ण, बहुत खूब, आपने इन दोनों को बचा लिया। अब हम देखना चाहती आप खुद को बचाती कि नहीं। हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, उसका तयशुदा वक्त खत्म हो गया है, हम पे भी इनायत कीजिए। कीजिए ना कीजिए। क्या हुआ रामा, सांप सूंघ गया क्या? उत्तर ज्ञात भी है या गुरुवर और कोतवाल की रक्षा करते करते स्वयं को मिली पहेली के विषय में भूल गया था? हम अपना पहेली फिर से दोहराती है। आपके शहर में है हमारा हमशक्ल, ढूंढो उसे लगाकर अपनी अकल। क्या बात है पंडित रामकृष्णा, अकल ने काम करना बंद कर दिया क्या? मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, आपकी नकल करने वाला वो नकलची हमशक्ल। ढूंढो 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 पंडित रामकृष्णा, मिल गया है। क्या बात करती पंडित रामकृष्णा, हमारा हमशक्ल मिल गई। अरे हमको जल्दी मिलाओ उससे, हम बहुत बेताब हो रही है उसको मिलने को। मिलाओ। अवश्य 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 महाराज, मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय की उनके नकलची हमशक्ल से भेंट करवाने के लिए मुझे 3 विशाल दर्पणों की आवश्यकता होगी। महामंत्री जी, जो आ गया महाराज। गुरुजी, ये पंडित रामकृष्ण दरबार में 3 दर्पण ले तो आए, किंतु किंतु इन दर्पण के साथ कर क्या रहे हैं ये? हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमें याद नहीं, परंतु कुछ तो कर रहा है। ऐसे पकड़े रहना। हाँ पंडित रामकृष्ण, आप शायद भूल रही है, हमने कहा था हमारा हमशक्ल हमारा नकलची वास्तव में सच्ची में है। आप तो हमको हमारा अक्स दिखाती है, ये हमारे पहले का जवाब नहीं हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, वहां खड़े होकर प्रतीक्षा करें, मैं अभी आए। हम भी जाती। हाँ महाराज, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं?
अंततः ये पंडित रामाकृष्णा करना क्या चाह रहे हैं? अभी ज्ञात हो जाएगा गुरुवर, कृपया धीरज रखें। हैं? अच्छा, इसे ऐसे ही पकड़े रहना। हाँ, नसीरुद्दीन महोदय कृपया पीछे देखिए। पीछे? हाँ। कृपया अपना दायां हाथ उठाइए। अब बायां उठाइए। अब अपनी जगह पर कूदिए। ये कूदी? ओह, अरे ये तो आपकी नकल कर रहा है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, ये रहा आपका नकलची हमशक्ल, और ये वास्तव में है, आपका अक्स नहीं है। सूर्य की किरणें इसके जीवन और मृत्यु को निर्धारित करती है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा पंडित रामाकृष्णा, बहुत उम्दा। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, जब आपके हमशक्ल को यह ज्ञात हुआ कि मैं इसे ढूंढ रहा हूं, तो यह कपटी छुप गया। मुझे अपने सारे महत्वपूर्ण कार्य मध्य में छोड़कर इसे ढूंढने जाना पड़ा। मैं इसकी धृष्टता के लिए इसे दंड देना चाहता हूं। महाराज, मुझे एक चाबुक प्रदान की जाए। चाबुक? अनुमति है पंडित रामकृष्णा। जो आज्ञा महाराज। क्या करती है पंडित रामाकृष्णा, क्या करती है आप? पंडित रामाकृष्णा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको सजा हम देगी, हम देगी। वो इधर गई, गायब हो गई, सामने आओ। पंडित रामाकृष्णा को तुम सताती है, छोड़ेगी? लगता हो सजा के नाम सुन के घबरा गई, भाग गई हो। चले।
तनाले। लल्ला सही, बहुत सही। हम भी मजाक करती पर आप ज्यादा वही सही निकल। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। महाराज हमें तो पहले से ही ज्ञात था कि इस पहेली का उत्तर है परछाई। यदि पंडित रामकृष्ण उत्तर नहीं दे पाते तो हम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को दिए की रोशनी में इनकी परछाई दिखाकर उत्तर दे देते। हम तो बस संध्या होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों धनी मनी, हमने तुम्हें दिया बाती और तेल लाने के लिए कहा था या नहीं कहा था? कब कहा था? अच्छा भूल गए, भूल गए। कह रहे हैं भूल गए, गधे कहीं के। वाह पंडित रामकृष्ण वाह, आपने ना केवल जनाबे राजगुरु और जनाबे कोतवाल का ओहदा बचाया बल्कि आपने हमारी पहेली को अमली जांबा पहना कर ये साबित कर दिया कि आपकी अकलमंदी का कोई सानी नहीं है। वाह मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, सब माँ की कृपा है, मैं तो बस माध्यम मात्र हूँ। पंडित रामकृष्ण सत्य कह रहे हैं मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, हम सब तो बस ईश्वर की बनाई हुई कठपुतलियां हैं। करता धरता तो वो है, सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ है। जनाबे राजगुरु, हमने तो सुना था कि आपके तीन तीन ईश्वर है, आप ये तीनों में से किस ईश्वर की बात करती है? तीन ईश्वर, हम कुछ समझे नहीं मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय। परंतु हम समझ गए महाराज। महाराज मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, पुराणों में वर्णित ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में जानना चाहते हैं। हम आपको बताते हैं मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, ब्रह्मा सृजन के, विष्णु पालन के और महेश संहार के कारक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे राजगुरु। ये तीनों ईश्वर तो बहुत महान है, बड़ा है, ये लोग कितना अहम काम करती है। एक बात पूछेगी जनाबे राजगुरु, क्या आप हमारी मुलाकात इन तीनों ईश्वर से करवा सकती है? हम मिलकर उनका एहतराम करना चाहती है इसलिए बोलती है। हाँ से गुरु जी, वो क्या है मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, हमारा सीधा संपर्क भगवान शिव से है। परंतु ये संपर्क स्थापित करने के लिए वर्षों का तप, कठिन यज्ञ और परम ज्ञान की आवश्यकता होती है जो आपके पास नहीं है। क्या बोली? हमारा कहने का तात्पर्य है इसमें आपको बहुत समय लग सकता है। पंडित रामकृष्ण, अब आप ये जो हमारी मदद कर सकती है, आप हमारी ये तीनों ईश्वर से मुलाकात करा दीजिए, हम आपका ये एहसान ता उम्र नहीं भूलेगी। हाँ पंडित रामकृष्ण, करवाइए 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 ना। अब पंडित रामकृष्ण, आपको हमें ब्रह्मा विष्णु महेश इनका दर्शन करानी होगी, भूलना मत, यही हमारा अगली पहेली है। ऐसी पहेली, और आपके पास कल तक का वक्त है बस। केवल कल तक का बस?